कोरोना के इस दौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति बाधित क्यों हो रही है? क्या इसकी कालाबाजारी हो रही है? जरूरतमंदों को समय पर ये इंजेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार लगातार पैनिक नहीं होने की अपील कर रही है। क्या प्रशासन कालाबाजारी रोकने में नाकाम हो रहा है? क्योंकि इंदौर में तस्वीर इसी तरह और इसी तरफ इशारा करती है। शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सुबह से ड्रग मार्केट में लाइन में लगे परिजनों का सब्र का बांध उस समय टूट गया जब उन्हें इंजेक्शन नहीं मिले। मरीजों के परिजनों ने ड्रग मार्केट में हंगामा किया, लोगों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। हंगामे के बाद प्रशासन अमला भी मौके पर पहुंचा। अफसरों ने लोगों को समझाया कि इंजेक्शन की सप्लाई की जाएगी, तो इसके बाद भी परिजन इंजेक्शन की आस में दवा बाजार में ही डेरा डाले हुए हैं। सुबह से ही परिजन लाइन में लगे थे, जब इंजेक्शन नहीं मिले तो उन लोगों ने हंगामा कर दिया। पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, इसके साथ ही एसडीएम भी मौके पर पहुंची, लोगों को समझाइश दी जा रही थी। इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों ने इंदौर में चिंताएं बढ़ा दी है। उसी को लेकर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो संजीवनी माना जाता है कोरोना पेशेंट के लिए, और उसी को लेकर जो लोग हैं वो पिछले चार दिनों से जो दवा बाजार है यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, और उसके साथ यहाँ पर जो रोड पर भी धरना दिया जा रहा है। जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और उसके बाद जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो नहीं मिल पाया, और उसी के चलते जो लोग हैं यहाँ पर धरना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से रेमडेसिविर इंजेक्शन की यहाँ पर किल्लत हुई है, शॉर्टेज आया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं उनमें आक्रोश है। उसी को लेकर जो रोड है दवा बाजार का मेन रोड, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। हालांकि जो कोरोना संक्रमित मरीज है या फिर जो एम्बुलेंस है उन्हें यहां से जाने की छूट इन लोगों के द्वारा दी जा रही है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो एकदम से पीक आया है सेकेंड कोरोना संक्रमण का, और उसके बाद लगातार जो मरीज सामने आ रहा है, और उसी को लेकर जो डॉक्टर है उन्होंने जो रेमडेसिविर इंजेक्शन लिखा है, लेकिन हालांकि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो कहीं भी इन लोगों को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसी के चलते जो लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, और उसी के विरोध स्वरूप इन लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम करने की भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से संक्रमण की दरें बढ़ती जा रही है, लगातार जो मरीज है वो सामने आ रहे हैं, तो उसी को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यही आक्रोश यही कारण है कि जिस प्रकार से जो इंजेक्शन है उसकी शॉर्टेज आई थी, और उसी के चलते जो लोग हैं वो काफ़ी यहाँ पर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंसल न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन केशव मराठा के साथ अखिलेश सेन, इंदौर। देखिए, जैसे जैसे इंजेक्शन की आपूर्ति होती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड भी किया जा रहा है। अभी जैसे हमें पता चला है वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से कि कल तक आ जाएगा इंजेक्शन, आज भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही आपूर्ति होगी, जैसे ही हमें हमारे पास पहुँचेंगे वैसे ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। और वहीं इंजेक्शन की किल्लत के चलते भोपाल में भी मेडिकल शॉप पर विवाद की स्थिति बन रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने पर विवाद की स्थिति बनी। मेडिकल शॉप पर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने से लोग नाराज हैं। दवा बाजार में दिशा फार्मासिस्ट पर लोगों ने हंगामा किया है, दुकानों के बाहर भीड़ लगी, कई लोग तीन दिन से इंजेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इंजेक्शन नहीं मिलने से दुकानों पर विवाद की स्थिति बन रही है। लोगों का आरोप है कि कालाबाजारी के चलते ऐसी स्थिति बनी है। पुलिस मौके पर पहुंची थी और मामले को शांत कराया पुलिस ने। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रही है, और यही कारण है कि जो लोग हैं बड़ी संख्या में दवा बाजार पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, और दिशा फार्मा है यहाँ पर जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है बताया जा रहा है उपलब्ध, और यही कारण है बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचे हैं, कतारें लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं है, कृपया अपने अस्पताल से संपर्क करें। लेकिन लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हैं और लाइन लगाए हुए हैं, कई लोग तीन दिन पहले भी आए हैं, और कई लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। हम बात भी करेंगे। सर, आपका कितने दिनों से रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए यहाँ पर? तीन दिन हो गए, पूरे तीन दिन हो गए। सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, जब हमें समय मिलता है दो दो घंटे हम आ रहे हैं, और उसके बाद भी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। और कल ड्रग इंस्पेक्टर थे यहाँ के, तो उनके सामने और अधिकारी थे कलेक्टोरेट के भी, हेल्थ डिपार्टमेंट के, तो उनके सामने दो तीन लोगों को दिया गया, उसके बाद बंद कर दिया। कमी है, कुछ लोग और हैं। आप भी यहाँ पर, आपको किसके लिए ज़रूरत है आपको? मेरे पिता श्री हैं खुद के, मैं आज ही आया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इनका पहला कहना ये था कि अपने पास सामान मिल जाएगा, पर आप डॉक्टर को या फिर मेडिकल उसको बुला लो, आप ओनर को, ठीक है? मैंने कहा मैं उस सबको बुला लूँगा। उसके बाद क्या कहना है इनका कि 40,000 रुपये की आपको सामान मिलेगा, ठीक है? मैंने कहा 40,000 रुपये देने के लिए हम तैयार, 2 से 5 हज़ार के इंजेक्शन के लिए आपसे 40,000 मांगे जा रहे हैं, ठीक है मैंने कहा 40,000 देने के लिए तैयार है। उसके बाद कहना इनका ये है कि वो सामान नहीं मिल पाएगा आपको, पैसे ज़्यादा
मांगे जा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा 40,000, आप तो 50,000 बात करें। कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं। सर पैसे स्टॉक के मांगे जाते हैं, स्टॉक होगा तो मांगे, कैसे ज्यादा पैसे मांगेंगे हम? हम ड्रग कंट्रोल के एक्ट में आते हैं, एक एक चीज का बिल दिया जाता है। इन्होंने फोटो दिखाया हमें टॉक्लिजुमैब इंजेक्शन का, बाद में बोलते हैं कि रेमडेसिविर चाहिए। जो लोग हैं उनके अलग अलग तर्क हैं, दुकानदार का अलग तर्क है, लोगों का अलग तर्क है। लोगों को कहना है कालाबाजारी की जा रही है, जहां पे 2 से 5 हज़ार रुपये के इंजेक्शन के 20,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। कुछ लोग इस दौरान भी सक्रिय हो गए हैं, जो उनसे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, उनके नाम पर इंजेक्शन इशू कर देते हैं और उन्हें ब्लैक में बेच देते हैं, और उसके बाद वो लोग परेशान होते रहते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ में प्रशासन नाकामयाब साबित हो रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर राजधानी भोपाल में काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है। अब देखना होगा कि आखिरकार जो लोग संक्रमित हैं, गंभीर रूप से संक्रमित हैं, उन्हें कब तक रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उपलब्ध हो पाता है। केयर पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा।